यस नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं दीपक बोल रहा हूँ सहारनपुर से। आपको परसों कॉल किया था। हाँ जी। हीकप्स की प्रॉब्लम थी सर मुझे, क्रॉनिकल हीकप्स थी। क्या वो ठीक नहीं हुआ सर? अभी तो ठीक नहीं हुआ, वो आपने जो बताया था पानी पीने का वो मैं कर रहा हूँ। 1% भी फर्क नहीं पड़ा? नहीं सर, हीकप्स से तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एसिड नहीं बना। एसिड आज नहीं बना? ठीक हो जी। कितना फर्क पड़ गया एसिड का? एसिड तो ठीक है, लगभग बनाई नहीं अभी तक, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे एसिड की। वॉक एंड रेस्ट कर रहे हैं पूरा सर? वॉक एंड रेस्ट सुबह नहीं कर पाया आज, शाम को की सुबह नहीं किया सर आज। तो आप सुबह शाम सिर्फ कर रहे हैं, दिन में नहीं कर रहे? नहीं सर, दिन में तो नहीं कर रहा, सुबह शाम कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, थोड़ा सा खींचने की कोशिश करिए इसको। जब एसिडिटी खत्म हुई है तो हिकअप्स भी उसी से रिलेटेड ही है। और आपको कितने दिन हो गए सर? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए सर हिकअप्स। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी ये करते हुए 2 दिन हुए ना सर? 2 दिन है, परसों फोन किया, परसों शाम, कल का दिन और आज का दिन हुआ। और उसमें वॉक एंड रेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। तो आप कहीं घर पर ही हैं आजकल या जाते हैं कहीं? सर घर पे ही हूँ मैं तो फिलहाल। फिर तो खींच लो ना वॉक एंड रेस्ट को। ठीक है सर, कितनी कर सकते हैं? मतलब आपकी एज कितनी है सर? 33 है मेरी एज। हाँ तो खींच दो, 20-25 बारी करो, 5-5 मिनट का जो वॉक रेस्ट करना है, 5 मिनट चलो 5 मिनट लेट जाओ। सर कोई टाइमिंग तो नहीं है खाना खाने से पहले या बाद में? ना ना, कोई खास टाइम नहीं है, बस ये है कि खाना खाने के इमीडिएटली 2 मिनट पहले मत करो, और खाना खाने के आधे 1-1.5 घंटे तक ना करो, बस उसके टाइम बाकी टाइम जितना मर्जी करो। ठीक है सर। ठीक है सर। सर पानी तो आज पूरा दिन छोड़ रखा था, बस एक गिलास सुबह नाश्ता किया था जब पिया था, और एक अब 6 बजे खाना खाऊंगा तब पीऊंगा। तो आप ना अब 6 बजे के बाद 6:30 बजे का जितना वॉक एंड रेस्ट कर सकते हो कर लो, क्योंकि जिस दिन पानी छोड़ा होता है ना उसी दिन कमाल होता है। तो हो सकता है कल तक, कल ठीक हो जाए सुबह तक। आज खींच देना, अगर 11-12 बजे सोते हो ना तो 4-5 घंटे खींच लो इसको वॉक एंड रेस्ट को, 5 मिनट चलो 5 मिनट लेटो। ठीक है सर। लगातार ही खींच देना, कितना भी खींच सकते हो तो छुटकारा हो जाएगा इससे। ठीक है। और सर पानी का कैसे करना है सर, कल क्या रूटीन रखना है? कल कितना पिया था? 4 लीटर पिया था सर। तो कल खाने खाने के साथ पी लेना बस, बाकी मत पीना, खाने के साथ 1 गिलास पी लेना 2 बारी। ठीक है सर। और अगर आपको प्यास लगे तो जब आपने सुबह तो खाने के साथ ही पी लेना, मतलब 2 मतलब खाने के साथ 1 गिलास पी लेना, और शाम को अगर आपको लग रहा होगी पानी कम हो रहा है या डिहाइड्रेशन हो रहा है जी, तो आप फिर जैसे 6 बजे खाना खाना है तो 4 बजे 5 बजे 6 बजे 3 गिलास ले लेना एक एक करके, 4 बजे भी और 5 बजे भी और फिर 6 बजे के बाद खाने के साथ। ठीक है सर। ठीक है, तो इतना मतलब कम करना, और उसके बाद फिर देखते हैं परसों का मतलब पहले तो ये आपके हिकअप्स बंद हो ना, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। हम कल टारगेट रखते हैं कल शाम तक बंद हो जाए। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू सर।